अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैकग्राउंड का नॉइज़ कैसे ख़त्म करना है यूजिंग अडोबी प्रीमियर प्रो। तो सबसे पहले हम अपना प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेते हैं, और जब तक प्रीमियर प्रो ओपन हो रहा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये फ़ायदा कि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियोज़ अपने अडोबी के रिलेटेड और बाकी मैं और भी सॉफ्टवेयर की वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर है, मैं आजकल उसके भी ऑडियो आफ्टर इफेक्ट्स के भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसकी भी बना रहा हूँ ऑडिशन की भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोस आप भी देख सकें। तो जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, हमने यहाँ पर भी अपना जो वीडियो है वह यहाँ पर इम्पोर्ट करनी है। मैंने अपनी वीडियो रखी हुई थी सेव करके, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अगर ये वाली वीडियो का नॉइज़ ख़त्म हो सकता है ना, तो किसी भी किस्म का नॉइज़ ख़त्म हो सकता है। तो ये जिस वीडियो से ये फ़ोन से रिकॉर्ड की गई है, तो मतलब आईफोन XR का अच्छा, माइक्रोफोन था ये। तो अगर इस मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई मक्की और सोया तो हमने इतनी को उसका पार्ट रख लिया, बाकी काट दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी। अब बाकी पार्ट में डिलीट भी कर देता हूँ। तो हमने ये इसको ज़रा सेट कर लिया। मैं आपको दिखाता भी उसकी जो वेव्स हैं वो कहाँ कहाँ तक ऊपर जा रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शोर में शूट हुई थी। तो हम जाएंगे अपने इफेक्ट्स पैनल में। अगर इफेक्ट्स पैनल आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आपने विंडोज़ में जाना है। यहाँ पे इफेक्ट्स है, मतलब Shift+C+7 भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ किया करें। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डी नोइज़र। वीडियो का बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म करना है तो आई एम गोइंग फॉर डी नोइज़र। डी नोइज़र ड्रैग एंड ड्रॉप इधर किया। यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल्स पे हमने रहना है, बाकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो हमें अपने इफेक्ट्स कंट्रोल में ही रहेंगे, ताकि हमें इसके बीच चीज़ें सेटिंग चेंज करनी है। एडिट में जाएंगे, एडिट में यहाँ पे इसके यहाँ पे 40 है, तो आई एम गोइंग फॉर द 30 नहीं 35। मुझे अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई मक्की पॉलिश्ड है तो वो ज़रा फेक सी लगेगी, तो मतलब कि आवाज़ चेंज की हुई है, तो इसलिए हम रहेंगे 30 35 के राउंड अच्छा, में। मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई मक्की अच्छा, मुझे आप बताएंगे। जी, तो हमने यहाँ पे भी इसको कर दिया 30, उस पर है 35 पे ही है। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे बेस। बेस टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च पैनल में। बेस टाइप करने के बाद बेस को हम यहाँ पे करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप अपने टाइमलाइन पे, और फिर एक दफ़ा आवाज़ सुन लेते हैं इसकी। हमने यहाँ पे ना बूस्ट चेंज कर देना है, मैं इसमें 4 रख अच्छा, रहा हूँ। मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई इम्प्रूव नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना मास्टरिंग में। मास्टरिंग का क्या है, ये ऑटोमेटिकली वीडियो को जो नॉइज़ है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। हमने इसके भी एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही अपनी सेटिंग से देख लेना है, आपने खुद ही यहाँ पे देख लेना है कि रिड्यूज़र में आपने रखना है या स्टेबल क्लैरिटी में रखना है। पहले मैं रिड्यूज़र पर रख कर देखता हूँ अच्छा, कि मुझे आप कैसी बताएंगे इफेक्ट। कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई जी, तो ठीक है कुछ, अब हम सर्टेन क्लैरिटी पे रख देखते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई नहीं, वो रिड्यूज़र ही ठीक था मेरी वीडियो के लिए। रिड्यूज़र ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे करके चेक कर लेना है अच्छा, कि मुझे आप कौन सा बताएंगे कि आपके लिए सही फीड है। किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई यहाँ पर ये ठीक है। अब मैं जाऊँगा ऑडियो थोड़ा सा गेन करूँगा इसका। ऑडियो गेन मैं +4 कर दूँगा, आप लोगों ने भी इतना ही कर देना, +4 ही ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई मक्की और सोया। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि फीड किस चीज़ से बनती है और कितनी यूज़ हो जाती है एक फ्लाक में 40 दिन के अंदर? भाई मक्की और सोया। जी, अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। इसी तरह के मैं शो टिप्स और भी अपलोड करता रहता हूँ, तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।